भाजपा के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को पादरी बाजार स्थित प्रिंसेस लॉन में गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। बूथ स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि छोटी छोटी टीम बनाकर हर एक घर पर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनसंपर्क कर लोगों को बताएं। सम्मेलन को बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन ने अपने अंदाज में संबोधित किया, तो वहीं पिपराइच विधानसभा के विधायक महेंद्र पाल सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि पिपराइच क्षेत्र से अधिक वोटों से बीजेपी प्रत्याशी जीत दर्ज करें। सम्मेलन में गोरखपुर लोकसभा रवि किशन शुक्ला, पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेंद्र पाल सिंह, लोकसभा संयोजक राम जीवन मौर्य, जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी व बूथ स्तरीय कार्यकर्ता मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ रवि किसान, योगी आदित्यनाथ रवि किसान, योगी आदित्यनाथ रवि किसान, बोले भारत माता की, गोरखनाथ बाबा की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबसे आग्रह है, एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वज से पूज्य महाराज जी का स्वागत करिए। श्री सीताराम 307 जंगल कुमार अली सुरेश यादव 309 की पढ़ाई आप सब करता ध्वन में उनका स्वागत है। स्थानीय व्यापार मंडल के लोग एक बड़े माले के साथ पूज्य महाराज जी का स्वागत है। आप सब करता बहुत बहुत धन्यवाद लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी गहलोत का नाम बहुत महाराज जी कर्मठ निस्वार्थ शेर। हम लोग इतने भाग्यशाली है, उत्तर प्रदेश की धरती इतनी भाग्यशाली कि हमको ऐसे मुख्यमंत्री मिले जो एक फायर ब्रांड नेता है, फायर ब्रांड मुख्यमंत्री है, जो पूरे इस देश में सबसे ज्यादा सभाएं मुख्यमंत्री जी की हो रही, पूज्य महाराज जी की, और महाराज जी की आत्मा बसती है गोरखपुर में, और गोरखपुर के लिए महाराज जी ने क्या किया पूरा देश जानता है। सबसे अच्छा मुद्दा हमारे पास सत्य का मुद्दा है, विकास। प्रधानमंत्री जी की सारी योजनाएं गांव में है, हर घर में है। मैं महाराज जी को बताना चाहता हूं, जिस दिन से हम उतरे हम 18-19 घंटे दौड़ रहे हैं और हम हर गांव में पहुंचे, जहां जहां हम पहुंचे एक व्यक्ति हमको नहीं मिला कि पूज्य महाराज जी हमारे प्रधानमंत्री की योजनाएं उन तक नहीं पहुंची। बस उनको हमको वही घुमाना वही बताना, और सबसे हाथ जोड़ के निहोरा करब कि जाके यही बोले कि भैया इस समय किया जो चलत हुआ मलाई नहीं जो सर किया महाराज जी के सिलेंडर जो कहा माई के और भाभी का आंख फूट जात रहे, सिवरी फूक फूक हमारे माई का होते रहे, सिलेंडर मुफ्त में बैठाए, मकान मुफ्त में मिला को 20-22 घंटा बिजली आवा था, किसान भाई लोगों के लिए पेंशन भेजा था, एम्स बन गई, पिपराइच के चीनी कारखाना, फर्टिलाइजर और न जाने अनगिनत काम। जोड़ेंगे हम जोड़ा भाई कि भैया हमारे महाराज जी के सम्मान उससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं गोरखपुर में।
में पानी के विराम दे, महाराज जी के लाल महाराज जी के सम्मान खातिर जान देना है। और एक बात कह रहा हूं, ना पंजे पे, ना साइकिल पे, ना जात पे, ना हाथी पे मोहर लगाइया भैया हो, सीना ठोक कर 56 इंच के छाती का। आप सभी प्रभु कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, भवानीपुर में और 16 तारीख को उलरिया में कुछ महाराज जी की सभा प्रस्तावित है। हम सभी लोग विनती करता हूँ कि अपना आशीष वचन देने की कृपा करें। कुछ महाराज जी जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, माननीय विधायक इकाई श्री महेंद्रपाल सिंह जी, उपाध्यक्ष श्री प्रमाणीकरण निगम श्री राजेश श्याम सिंह जी, लोकसभा के संयोजक श्री रामजी राम मौर्य जी, लोकसभा का चुनाव सरकार है और मैंने कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं के साथ में बैठा था और आज पिपराइज विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं के साथ हम बैठ रहे हैं बूथ स्तर के, यानी हर बूथ से ज्यादा है लेकिन हमने केवल दो दो कार्यकर्ता बुलाए हैं, एक भारतीय जनता पार्टी का, एक इंदिरा मोदी का। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर अभी उनका सबका वृत्त लिया गया, सब जगह हर बूथ स्तर पर जो जानकारी दी गई, इसमें भटक ने 159 में से लगभग 153-154 तक के लोगों की उपस्थिति, चरणाओं में 147 में से 144 की उपस्थिति है और सिंचाई में 121 में से 115 की उपस्थिति यहाँ पर है। जिन बूथों से कार्यकर्ता नहीं आए हैं उन बूथों के सेक्टर प्रमुख या हिंदू या महानी के जो न्याय पंचायत के संयोजक होंगे, अध्यक्ष होंगे, वे उस बूथ पर चेक कर लेंगे, कार्यकर्ता अगर सक्रिय है तो उसको सक्रिय बनाएं और सक्रिय नहीं हो पा रहा है, निष्क्रिय है, तो वहां पर फिर से उसको गठन करके किसी भी स्थिति में आज सायंकाल तक इस कार्य को पूरा कर लें। जैसे यहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक एक बूथ की रचना की है, मुझे लगता है इंदिरा वाहनी के जिला के अध्यक्ष, ब्लॉक के अध्यक्ष, संयोजक, ऐसे ही तीनों ब्लॉकों में और नगर पंचायत पिपराइज में भी इसी प्रकार की समीक्षा करवा करके इसको प्रभावी बनाते हैं। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक बात कहते हैं, वे कहते हैं कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, यानी अगर आप बूथ पर कार्यकर्ता हैं और आपने अपना बूथ जीत लिया तो मान के चलिए आप विधानसभा और लोकसभा जीत गए, लेकिन आप बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के या इंदिरा वाहनी के और अपने ही बूथ पे हार जा रहे हैं, तो आपके बड़े का कोई मतलब नहीं होता। सबसे पहले हर बूथ का पदाधिकारी, हर बूथ का कार्यकर्ता, हर बूथ का जिस बूथ का निवासी जो पदाधिकारी या जो जनप्रतिनिधि है, और सबसे पहले अपने बूथ को ये ग्रेड का बूथ बनाए, इसमें प्रयास करें कि भारतीय जनता पार्टी को
पहले तो 70% नहीं तो 90% और नहीं तो 75% से कम वोट उस बूथ पर न मिले, इसकी तैयारी आप सबको अपने अपने बूथ की दिशा से करनी होगी। सबसे पहला कार्य है बूथ की दिशा, और इसीलिए मैंने 3-4 दिन आपको दिए थे, 27 तारीख को, 27 अप्रैल, 29 अप्रैल, 3 मई और 7 मई, ये 4 तिथियां मैंने इसलिए आपको दी कि 27 अप्रैल को हर बूथ पर बैठक होना। आप मुझे बताइए क्या हर बूथ पे बैठक हुई थी क्या 27 अप्रैल को? जहां हुई थी तो हाथ खड़ा कर दीजिए, हाथ नीचे कर दीजिए। 27 अप्रैल की बैठक के बाद 29 अप्रैल को मैंने कहा था कि हर बूथ पर संपर्क करना है, एक एक घर में जाना है। उस समय तक हैंड बिल नहीं आया था और हैंड बिल पहुंच गया होगा, लेकिन हर बूथ पर जाकर के अपने हर घर से संपर्क करना है। ग्रामीण क्षेत्र में गांव में बूथ का चिन्हित करना थोड़ा कठिन होता, तो पूरे गांव को ही केंद्र में रखकर के कार्य करें। एक एक घर में जाकर के जो कार्य हुआ है, केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने, किसी को मकान मिला होगा, किसी को शौचालय मिला होगा, किसी को राशन कार्ड मिला होगा, किसी को पेंशन मिला होगा, किसी को बिजली मिली होगी, किसी को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन मिला होगा, किसी को किसी न किसी योजना से कोई ना कोई व्यक्ति लाभान्वित हुआ है। दूसरा बड़ा कार्य विकास का, सड़क है, पानी है, बिजली है, या फिर गोरखपुर में एम्स का निर्माण हो रहा है, टाइगर का निर्माण हो रहा है, पिटाइच में चीनी मिल का निर्माण हो चुका है, या और भी अनेक कार्यक्रम, कहीं इंटर कॉलेज, कहीं आईटीआई, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं पर पूर्व, कहीं पर कुछ ना कुछ कार्य कहीं पर बन रहा है। मुझे याद है संझाई में लोग कब से कहते थे कि वहां पर एक पेंटून ब्रिज बन जाए, अब तो बन गया होगा ना। तो मुझे लगता है कि जब ये कार्य हो गया है, कोलोवा घाट पे पुल निर्माण की बात कब से लोग करते थे, श्याम सुंदर निषाद, संत कुलाचार्य लगातार इस बात को उठाते थे, आज वहां पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। ऐसे अन्य जितने भी कार्य थे, कहीं आईटीआई, कहीं इंटर कॉलेज, कहीं डिग्री कॉलेज, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं पर कुछ ना कुछ कार्य पहले की तुलना में अच्छा हुआ है। और आप इस बात को कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के लोगों को कि आखिर 10 वर्षों तक प्रदेश में उनकी सत्ता रही, उन्होंने क्या दिया, अन्य लोगों ने क्या दिया, चीनी मिल बंद की थी ना उन लोगों ने, चीनी मिल बेच दी थी ना, क्यों नहीं बोलते उन लोगों से कि आज तो हमने नई चीनी मिल दे दी, और उनके समय में चीनी मिल की क्षमता कितनी थी, कुल 4,000-5,000 कुंटल, और हमने कितनी चीनी मिल दी, 50,000 कुंटल एक दिन में पेरिश करना, 50,000 कुंटल, और उसको हम फिर बढ़ाएंगे 75,000 कुंटल करेंगे। सारी सुविधा दे दी है, उनके समय में जो चीनी मिल चलती थी और चीनी भी ऐसी बनती थी कि वो चीनी केवल यही बिक सकती थी, हम विदेश नहीं भेज सकते थे। आज वहां पर शुगर फ्री चीनी बन रही है, देश के अंदर पहली चीनी मिल है जिसमें शुगर फ्री चीनी बन रही है। इतनी बड़ी क्षमता की कोई दूसरी चीनी मिल अभी नहीं लगी है। यहां पर जितनी चीनी की आवश्यकता उतनी चीनी बनेगी, और शेष से हम क्या करेंगे, सीधे इथेनॉल बनाएंगे और उसको डीजल पेट्रोल के रूप में उपयोग करेंगे। और चौथा कार्य होगा कि 27 मेगावाट बिजली भी पिपराइज में पैदा होगी चीनी में, यानी जो बगास निकलेगा उस बगास से अब उसको जलाना नहीं पड़ेगा, फेंकना नहीं पड़ेगा, उस बगास से ही हम लोग बिजली बनाएंगे। और पांचवा कार्य क्या होगा, वहां पर एक बिस्लरी भी लग रही है, और बिस्लरी लगा करके, बिस्लरी से कोई शराबी नहीं बनती भैया, दवाई बनती है, हर प्रकार की दवाइयां, जितनी दवाइयां हैं एलोपैथ की जितनी दवाइयां हैं ये सब दवाइयां बिस्लरी से बनती है। और बिस्लरी का बात क्या होगा कि वहां पर कई लोगों को
हम लोग नया कार्य दे सकते हैं, जैसे गन्ने के जूस को पैक करके और उसको जैसे आप टीन के पैक में या बोतल में पैक करके उसको बेचने की व्यवस्था, तमाम कार्यकर्ताओं को इसके माध्यम से रोजगार सृजन की व्यवस्था होगी। चूंकि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई, हम इस कार्य को प्रारंभ नहीं कर पाए, लेकिन 23 मई को आप देखना कि पिपराइच की चीनी मिल का भव्य उद्घाटन के साथ ही अनेक ऐसे कार्यक्रम देंगे। किसी कार्यकर्ता को लोन दिलाएंगे, कहेंगे 5 लाख रुपए का मुद्रा बैंक में लोन लो और अपना लगाओ यहाँ पे जूस पिए। ये अनेक कार्य जिसमें रोजगार का सृजन होगा, यानी एक चीनी मिल 35 से 40 हजार किसानों को सीधे सीधे समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान करेगी और लगभग 500 से 700 लोगों को नौकरी मिलेगी और 1500 से 2000 लोगों को अन्य प्रकार से रोजगार की व्यवस्था देगी। कितना बड़ा कार्य, लेकिन इसको बंद किसने किया? समाजवादी पार्टी ने बंद किया और मायावती जी ने उसको पेश किया। लोगों को बताने की आवश्यकता है, किसान की तो कोई जाति नहीं होती ना, किसान तो कोई भी है, हर जाति का है। जब उस किसान के गन्ने को कीमत नहीं मिल रही थी तो किसान तो तबाह हुआ था ना, किसान परेशान हुआ था ना, नौजवान बेरोजगार हुआ था ना। क्यों वीरेंद्र पाठक 30 साल की उम्र में 90 साल के लगते हैं? उनके पिताजी की पाए चीनी में नौकरी करते थे, उनको कार्य नहीं करना पड़ता था, बाबूजी कमा लेते थे, वो घर बैठे बैठे पार्टी का प्रचार कर लेते थे। लेकिन चीनी मिल बंद हुई, बाबूजी हो गए बेरोजगार, अब उनको काम तो करना ही है। ऐसे अनेक परिवारों के साथ बीता है और किया किसने? सपा और बसपा ने किया। लोगों को बताने की आवश्यकता है, ये फर्टिलाइजर कारखाना, ये भी तो आपकी पिपराइच और गोरखपुर नगर विधानसभा के बीच में है, किसने बंद किया था? कांग्रेस ने बंद किया था। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, इन लोगों ने बंद कर दिया कारखाना। उसके बाद कांग्रेस 5 साल उस समय थी, 10 साल फिर थी, 15 साल कांग्रेस थी, 26 में से 15 साल कांग्रेस थी। प्रदेश में लगभग 20 से 22 साल सपा बसपा की सरकार थी, नहीं चला पाए ना। आज तो विश्वास हो गया ना कि फर्टिलाइजर चलेगा, बन रहा है ना, कारखाना बन चुका है, 70% कार्य हो चुका है और 2020 में हम फर्टिलाइजर कारखाना चलाएंगे और खाद भी बनाएंगे सस्ते में, किसानों को खाद भी देंगे, यहाँ के नौजवानों को नौकरी देंगे और रोजगार भी देंगे। गोरखपुर में एम्स की बात होती थी ना, इनसे प्रैक्टिस से मौतें होती थी, मासूम बच्चे मरते थे, कोई चर्चा ही नहीं करता था। क्यों मैं आंदोलन करता था? किसी अन्य विधायक को आपने आंदोलन करते हुए देखा? कभी नहीं। तो आवाज उठाते देखा? फुर्सत ही नहीं थी। सपा हो बसपा हो, सब अपने अपने काम धंधे में व्यस्त थे, विधायक बन के ठेका पट्टा करते थे, यही तो करते थे। लेकिन मैं सड़कों पे आपके साथ आंदोलन करता था ना, और आप लोगों को आंदोलन में भागीदार बनाता था ना। मेडिकल कॉलेज से कचहरी तक पैदल यात्रा चलनी हो, गोरखपुर बंदी की बात करनी हो, लगातार आंदोलन होते थे। और आज परिणाम क्या है? जो मेडिकल कॉलेज सपा की सरकार के समय, बसपा की सरकार के समय बंदी के कगार पर था, आज जाके देखिए उस मेडिकल कॉलेज में आज वहां दवा भी मिल रही है, 8 नई सुपर स्पेशलिटी, जिसको जिन बीमारियों के उपचार के लिए दिल्ली मुंबई जाना पड़ता था, आज गोरखपुर में अकेले 42 मेडिकल कॉलेज ही देने लग गया है। अभी प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने 8 नई सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन भी कराया है और साथ ही साथ एम्स की ओपीडी भी शुरू हो गई है। एम्स में
नया प्रवेश किस्म अभी जुलाई में हम प्रारंभ कराएंगे और जब फुल फ्लेश एम्स बनेगा तो 200 बच्चों का हर साल प्रवेश एमबीबीएस में करवाने की व्यवस्था एम्स में भी होगी। 1000 बेड का हॉस्पिटल बनेगा तो क्या गोरखपुर के लोगों को दिल्ली मुंबई में उपचार के लिए जाना पड़ेगा? नहीं, गोरखपुर में ही उपचार होगा। दुनिया गोरखपुर आएगी उपचार कराने के लिए, गोरखपुर का व्यक्ति कहीं बाहर नहीं जाएगा, गोरखपुर के लोगों को सारी सुविधाएं गोरखपुर में। आप लोग मेरे साथ बिजली के लिए आंदोलन करते थे ना, सड़कों पर बिजली नहीं मिलती थी ना, आज तो बिजली मिल रही होगी और भरपूर बिजली मिल रही है और बिजली के कनेक्शन भी पहले नहीं मिलते थे, अब तो फ्री में कनेक्शन दिए जा रहे हैं। पहले बिजली के लिए कितनी चिरौली करनी पड़ती कि हमारे गांव में, हमारे टोले में, हमारे मजरे में बिजली लगा लो, हम लोगों को पैसा देना पड़ता था। आज हमारे विधायक कहते हैं एक पैसा हमने इनसे नहीं कहा खर्च करने के लिए, सारा पैसा हमने दिया है। प्रदेश में 1.5 लाख मजरे में विद्युतीकरण कराया हूं 2 साल में, 1.5 लाख मजरे में, यानी कितनी पीड़ा थी उन 1.5 लाख मजरों में, कितने लोगों ने कष्ट भोगा होगा। आजादी के बाद कभी बिजली नहीं गई थी। आप यहां पर जंगल त्रिकोणिया नंबर 1 में है, इसी से 1 किलोमीटर आगे चले जाए जंगल त्रिकोणिया नंबर 3 पड़ेगा पंटांगिया गांव। आजादी के बाद उन गांव के लोगों को कुछ नहीं मिला, न सड़क, न बिजली, न पानी, न वहां पे कोई सुविधा नहीं, न स्कूल कोई सुविधा नहीं, न पेंशन किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। मुन्ना सिंह वहां के प्रधान है, यहां नहीं आए होंगे संबोधन, प्रधान संघ के कार्यक्रम में थे। हमने राजस्व गांव का दर्जा दिला दिया और 54 ऐसे गांव थे उत्तर प्रदेश में। क्या पिछले लोग सरकारी चलाती थी क्या? समस्त के लोग ये सब मजाक कर रहे थे, जाति के नाम पर बांट रहे थे। पंटांगिया गांव में कोई ब्राह्मण गांव कोई ब्राह्मण परिवार नहीं है, पंटांगिया गांव में कोई ठाकुर परिवार नहीं है, पंटांगिया गांव में कोई सैंतवार और कुर्मी परिवार नहीं है, उन गांव में कोई भी वैश्य परिवार नहीं है। वहां पर है हरिजन है, निसार है, यादव है, मौर्या है, यही जातियां उन गांव में निवास करती है। लेकिन मान्यता आजादी के 70 साल के बाद हमने तो जाति नहीं देखी किसी की। बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो या गरीब को घर, मुझे याद है मैं गांव गांव घूमा हूं गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में और मुझे लगता है आप में से हर कार्यकर्ता मेरे साथ हर गांव में घूमा है। गांव में हम जाते थे पैदल जाना पड़ता था, जब गांव में तो सड़क में दोनों तरफ गंदगी रहती थी, बदबू आती थी। आज मैं कह सकता हूं हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हर परिवार को एक एक शौचालय दिया है और जो परिवार छूटे हैं उनको भी आने वाले 3 महीने के अंदर उनको भी एक एक शौचालय उपलब्ध होने जा रहा है। पैसा पहले से आवंटित किया जा चुका है। शौचालय उपलब्ध कराने का परिणाम क्या? इस शौचालय उपलब्ध कराने का परिणाम था कि खुले में शौच बंद हुई तो इसके कारण बीमारियां समाप्त हुई। ये जो नौ की बीमारी थी, इंसेफ्लाइटिस की, मस्तिष्क जर की जो बीमारी थी, इसका मूल कारण था खुले में शौच और गंदा पानी। आपने देखा होगा पिछले साल काफी कमी आई है, इस साल और भी कमी आएगी और आप देखना 5 साल में इंसेफ्लाइटिस को 40 वर्ष की बीमारी और मैं कह सकता हूं 40 वर्ष का पाप है कांग्रेस सपा बसपा का, जो यहां के मासूम बच्चों को निकल रहा था। 40 वर्ष से यहां के मासूम बच्चे मरते थे और कोई बोलता नहीं था। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ, मस्तिष्क ज्वर के खिलाफ भी मैं अकेले लड़ता था, आप मेरे साथ रहते थे, कोई मेरे साथ विधायक सांसद नहीं रह पाता था। महेंद्रपाल सिंह तो बाद में विधायक अभी बने, लेकिन ये जो पूरी टीम मंच पर है और जो टीम आपके सामने है, मेरे सामने है, यही टीम मेरे साथ सड़कों पे आंदोलन करती थी और उसका परिणाम है कि आज हम लोग
इनके फ्लाइट और मास्टर के चक्र को पूरी तरह समाप्त करने की ओर अग्रसर हुए हैं। ये तो चेंज हुआ है, गरीब को मकान मिला है, एक गरीब को मकान मिला है, आपके पास स्मार्टफोन है। मैंने क्यों कहा कि एक एक बूथ पर हर कार्यकर्ता बूथ का कार्यकर्ता, उस बूथ का पदाधिकारी हमारा जिलाध्यक्ष हो, महामंत्री हो, उपाध्यक्ष हो, विधायक हो या फिर कोई भी हो, वो अपने बूथ पर एक एक घर में संपर्क एक बार जरूर करें। और मैंने 4 ऐसे कार्यक्रम आपको उपलब्ध कराए थे, इसलिए कराए थे आप जब संपर्क करें, पहले संपर्क में आपके पास हैंड बिल नहीं था। मैंने आपसे क्या कहा था, आप जाइए, आपके पास स्मार्टफोन है जिसका मकान बना है प्रधानमंत्री आवास योजना में, आप उससे कहिए कि भाई ये मकान आपको मोदी जी ने दिया है और महाराज जी ने दिया है, उसके पूरे परिवार के साथ सेल्फी लीजिए, अपने सोशल मीडिया में उसको खूब वायरल कराइए। बताइए अच्छी सड़क बनी होगी गोरखपुर से पिपराइज की सड़क के लिए, कितना धरना प्रदर्शन होता था, आज तो सड़क अच्छी हो गई ना गोरखपुर पिपराइज की, आज तो आपको ठोकर नहीं खाने पड़ रहे हैं ना। और बिजली के लिए जिन लोगों के पास 70 वर्षों के बाद पहली बार बिजली मिली है, हमने तो बिजली की जाति नहीं देखी ना, सपा बसपा की सरकार में देखा जाता था ना कि बिजली कब देनी है कब नहीं देनी है, कहां देनी है कहां नहीं देनी है, 4 जिलों में मिलती थी, 71 जिलों में नहीं मिलती थी। हमने तो नहीं कहा ना जाति है ना कोई मजहब है, हर एक को मिलेगी, हर एक गरीब को मिलेगा, हर एक किसान को मिलेगा। आप जाइए जिसके घर में आजादी के बाद पहली बार बिजली चली है, उसके घर के लोगों के पास जाकर उसकी पूछिए, उसके साथ बातचीत करिए और उसके साथ उसके घर के सामने सेल्फी लीजिए बिजली चलती थी, और फिर उसको अपने सोशल मीडिया में खूब वायरल करिए और फिर बोलिए देखिए बिजली चलती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि मोदी सरकार है, क्योंकि योगी सरकार है। बोलिए इसको, बोलने में कोई संकोच मत करिए। गरीब को घर मिलना है, जाति देखकर के नहीं, क्षेत्र और मजहब देखकर के नहीं, उस घर के पास जाइए। मैं गया था अयोध्या, इलेक्शन कमीशन ने मुझ पर 3 दिन के प्रतिबंध लगाया था, मैं गया था, मैंने कहा आप प्रतिबंध लगाएं कि आप मुझे बजरंग बली का दर्शन करने से थोड़ा रोक सकते हैं। मैंने बजरंग बली का नारा लगाया, उन्होंने मुझे प्रतिबंध लगा दिया, तो मैंने कहा मैं जरूर जाऊंगा, जहां जहां बजरंग बली के प्रतिष्ठित मंदिर होंगे उन मंदिरों में जरूर जाऊंगा। मैं लखनऊ में भी, अयोध्या में भी और काशी में, तीनों जगह गया। रात्रि में मेरा कार्यक्रम जब अयोध्या का बन रहा था तो वहां के एक हरिजन परिवार ने मुझे निमंत्रण भेजा रात्रि में 12 बजे रात को कि आप अयोध्या आ रहे हैं और अगर मेरे घर में आते तो। मैंने कहा ऐसा क्या आमंत्रण है भाई, उन्होंने कहा नहीं आपने मुझे मकान दिया है। मैंने कहा मैंने कहां से दिया है, वो तो योजना है, योजना से मिला। कहा नहीं साहब हम तो हरिजन हैं और बसपा की सरकार में मांग रहे थे तब भी हमें नहीं मिला, और लोगों को लोग अपने अनुसार जेब देते थे, भेदभाव करते थे, हमें मिला है और मैं चाहता हूं आप मेरे घर में आए और हमारे घर में भोजन पाए। लेकिन जब भोजन का आमंत्रण मिला तो मैं रोका नहीं, मैंने कहा मैं जाऊंगा जरूर। मैं अयोध्या गया, उस परिवार में मैं गया, उसने उसकी 2 लड़कियां थी, दोनों लड़की बाहर ब्याही गई। आप सोचिए रात्रि में ही गया, जब उसको रात 12 बजे पता लगा कि मैं उनके घर में जाऊंगा तो रात्रि में ही अपनी लड़कियों को भी बुलाया, उनका उसका लड़का भी काम करता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, उसको लोन लिया था उसने, ई रिक्शा लिया, और उस लड़के को भी उस दिन कहा कि कहीं नहीं जाना, उस दिन घर नहीं रहना। और जब मैं गया घर को लिपाई पुताई करके एकदम तैयार करके रखा था, बैठा मैं गया, अकेले गया था मैं, बैठा उस घर में, मैंने कहा भी मकान, उसने कहा साहब, मैंने कहा आखिर आपने मुझे निमंत्रण क्यों दिया, उसने कहा साहब आज मेरे बच्चे भी पक्के मकान के अंदर रह सकते हैं। यानी कितनी बड़ी बात कि हमारे पास झोपड़ी थी, कोई नहीं पूछता था, आपकी सरकार आई, आपकी सरकार ने बिना भेदभाव के हमें मकान दे दिया। और चूंकि मैं राजमिस्त्री का काम भी करता हूं तो मैंने मकान स्वयं बनाया और मैंने 4 कमरे बना दिए। जो पैसा आपने 2 लाख रुपए मुझे मिल गए हैं
₹2.5 लाख मेरे लिए स्वीकृत हैं, 50,000 की किस्त आ रही होगी उससे मैं प्लास्टर करूंगा, लेकिन बाकी मैंने 4 कमरे बना दिए हैं ₹2 लाख में। और मैं इसलिए बुलाया हूं कि यानी एक गरीब के लिए कितना बड़ा कार्य, जो व्यक्ति एक एक पैसे के लिए मोहताज हुआ उस गरीब का मकान बन गया, वो खुश है, कितना प्रफुल्लित था पूरा परिवार, कितना खुश था। मैं तो पेपर में मीडिया में कोई बयान नहीं दे सकता था, लेकिन उस परिवार ने जो बयान दिया, क्योंकि मैं चला गया था उसके बाद उसने मीडिया में जो बयान दिया, सचमुच मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि देखिए लोग स्वीकार करते हैं कि देखिए कितना अच्छा काम हुआ। अगर आप भी हर उस लाभार्थी के पास जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना मिला जाए, सेल्फी लें, उसका छोटा सा वीडियो बना करके वायरल करें, कितना बड़ा संपर्क आपका हो सकता है। जिनके घर में शौचालय बना है, जिनको बिजली मिली है, और हमने सामूहिक विवाह योजना में कन्या की सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपए राशि कर दी है, एक गरीब कन्या की शादी में 51,000 रुपए हमारी सरकार दे रही है। जहां पे लोगों ने रुचि ली, कोई कुमारी कन्या जो शादी योग्य हो गई है, दहेज के भाव में परिवार शादी नहीं कर पाता था, पैसे के भाव में नहीं कर पाता था, आज शादी कर सकता है। हर वृद्धजन को जो पात्रता की श्रेणी में आता है, अगर उसने फार्म भरा, हमने पेंशन उसको उपलब्ध कराई। हर विधवा महिला को पेंशन उपलब्ध कराई, हर एक दिव्यांगजन को पेंशन उपलब्ध कराई। ये कुछ योजनाएं हैं जिनको लेकर के आप उन घरों में जा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, बोल सकते हैं क्या क्या हुआ है, क्या क्या हुआ है। ये सारी चीजें अगर इस रूप में आप बताना प्रारंभ करेंगे, मुझे लगता है जातिवाद की दीवारें टूटेगी, इससे कल्याण नहीं होने वाला है। विकास अंततः लोगों के जीवन में खुशहाली लाएगा, और मोदी जी ने देश के अंदर यही काम किया। मैंने इसीलिए कहा था एक एक घर में संपर्क करिए, और मुझे लगता है कि 29 तारीख को और 3 मई को भी इस संपर्क का कार्यक्रम करना है। आप गए होंगे, लेकिन कल भी है संपर्क का कार्यक्रम, और मैं फिर जाऊंगा कल 7 मई को हर एक घर में बूथ स्तर की पूरी टीम, आज टीम जाए अपने अपने गांव में, अपने अपने बूथ में 8, 10, 12, 15, 20 जितने लोग हो सकते हैं उनकी एक टीम बनाए, और टीम बना करके कल सुबह 7 से लेकर 10 बजे के बीच एक एक घर में, आपको हैंडबिल भी आ गए होंगे, हैंडबिल को लेकर नहीं आए होंगे, कार्यालय से ले लीजिए या कार्यालय हर बूथ तक पहुंचा दे, और पहुंचा करके एक एक घर में संपर्क करके, और लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के लिए, श्री रवि किशन के लिए, मोदी जी के लिए, उनसे समर्थन मांगने की अपील करनी है। आप लोगों को बताइए कि भाई ये वो वोट जो भी आप देंगे, ये वोट महाराज जी को जाएगा, ये वोट मोदी जी को जाएगा। सीधे सीधे बोलिए, कमल फूल पर पड़ने वाला बटन, दबने वाला बटन, वो सीधे हमें मिलेगा। ये सीधे लोगों को बोलने की आवश्यकता, और इसलिए एक एक घर में जाने की आवश्यकता है। हैंडबिल पर्याप्त मात्रा में है, और मैं तो हैंडबिल का भी विकल्प आपको बता दिया। आप बताइए किसी को सड़क, कहीं सड़क मिली होगी, कहीं बिजली मिली होगी, कहीं पानी मिला होगा, कहीं शौचालय मिला होगा, कहीं मकान मिला होगा, कहीं राशन कार्ड मिला होगा, कहीं पेंशन मिली होगी, कहीं पर कन्या का विवाह हुआ होगा, कहीं पर कोई ना कोई योजना का लाभ, आयुष्मान भारत योजना किसी को मिली होगी, कुछ ना कुछ किसान सम्मान निधि मिली होगी। किसान सम्मान निधि में तो हम लोग ये भी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि अब सीमा समाप्त कर रहे हैं, सबको देंगे। इन व्यवस्थाओं के लिए ही आज मैं आपसे फिर कहने के लिए आया हूं कि बूथ जीतने की तैयारी, अपने अपने बूथ पर मजबूती। यहां से जाएंगे जो लोग आए हैं, वे लोग अपने बूथ में 15-20 लोगों की टीम खड़ी करेंगे, घर घर में संपर्क करने की तैयारी। जिन बूथों से लोग नहीं आएंगे, सेक्टर और ब्लॉक के लोग वहां जाकर के उन बूथों को तेज करेंगे, सक्रिय करेंगे, और फिर वहां पर भी टीम गठित करके कल व्यापक जनसंपर्क हो, इसकी तैयारी होनी चाहिए। एक
इसके बाद हम लोगों की बैलेट पेपर का नमूना आ जाएगा और मुझे लगता है कि जिलाध्यक्ष भी इस बात पे आप हमारे लोकसभा के संयोजक ढोरिया जी भी इस बात को सुनिश्चित कर लें कि बैलेट पेपर का नमूना हर हाल में 9 तारीख तक आ जाए छप्पन और 9 तारीख तक आने के बाद 10 11 12 में प्रयास करें कि बैलेट पेपर के नमूने के साथ आप एक एक घर में जाकर के उस बैलेट पेपर के साथ पार्टी के प्रत्याशी की फोटो उसमें होगी, उनका नाम होगा और कमर चुनाव चिन्ह होगा। बैलेट पेपर के साथ एक एक घर में लोगों को बता देंगे कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है और ये कमल चुनाव चिन्ह है, आपको इस पे वोट देना है, ये क्रमांक है। बस देखिए लोग बहुत समझदार हैं और लोग अपने आप इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। 3 दिन ये संपर्क आप उस दिन कर ले बूथ पर, हर एक पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय हो जाए और उसके बाद फिर 14, 15, 16 में बूथ स्तर पर पर्ची बांटने की व्यवस्था, हर परिवार की पर्ची, ग्रामीण क्षेत्र में परिवार पर्ची होगी, उस परिवार पर्ची को लेकर के हर परिवार के पास पहुंचाने की आवश्यकता कि भाई इस घर में इतने इतने वोट हैं, आपको वोट देना है, ये आपका नाम है, ये आपका बूथ है, ये सारी चीजें संपर्क भी और कमल चुनाव चिन्ह की चर्चा करते हुए आप आगे बढ़िए। इसके अलावा 3 सभाओं में कहूंगा आपके क्षेत्र में, एक 10 तारीख को विष्णुपुरी में प्रातः 10 बजे होनी है, 13 मई को जीतपुर में और 16 मई को गुलरिया में, ये 3 सभाएं होंगी। जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी और विधायक महेंद्र पाल जी, राधेश्याम बाबू, आनंद साहिब जी, संघर्षमणि जी, ये जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी प्रमुख चरगांव, ये सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे और उस पूरे कार्यक्रम के साथ हम लोगों को जुड़ना है, भव्यता के साथ बड़ा बड़े कार्यक्रम होने हैं। ये 3 अन्य कार्यक्रम जनता के साथ में हमारे होंगे और मैं चाहूंगा ये जो बड़ा कार्यक्रम आपको दिया गया है, पर्ची मिलने के साथ ही हर हाल में 15-16 तक पोलिंग बैग भी हर बूथ तक पहुंच जाए, 17-18 में आप केवल, मैं 17 को कोई कार्यक्रम गोरखपुर में नहीं दे रहा हूं, इस बात को नोट करेंगे, 17 को मेरा कोई कार्यक्रम नहीं होगा, 17 तारीख को एक ही कार्य होगा कि आप लोग एक एक बूथ को चेक कर लेंगे कि हर बूथ में टीम है, हर बूथ में बैग है, हर वहां पर लोग काम करेंगे और हर बूथ में 3 टीम बनानी है, एक टीम जो पोलिंग एजेंट के रूप में रहेंगे, 1 या 2 कार्यकर्ता रहेंगे, वे लोग अंदर रहेंगे, एक टीम जो पोलिंग बूथ के बाहर एक निश्चित दूरी पे बैठेगी, कोई गांव का व्यक्ति आया वहां पर आया, उसके नाम नहीं है, पर्ची नहीं पहुंच पाई, उसको पर्ची देने, उसका नाम बताने के लिए वहां पर रहेगी और एक टीम गांव में जाकर के मतदाताओं को मतदान करने के लिए नहाने की व्यवस्था के लिए रहेगी। ये 3 टीम हर बूथ पर बना देने की आवश्यकता है और इसके लिए प्रभावी तैयारी, प्रभावी व्यवस्था, ये आप लोग हर हाल में अपने अपने बूथ के लिए करेंगे। इतना कार्य मैंने आपके सामने दिया है, मुझे लगता है अगर आप कार्य करने के इच्छुक होंगे तो आपको अपने बूथ से फुर्सत नहीं होगी और बूथ से फुर्सत नहीं होगी तो उसके बाद बूथ का कार्यकर्ता बूथ पर, सेक्टर का सेक्टर पे, मंडल का मंडल में, विधानसभा का विधानसभा में ही कार्य करेगा और जब अपने अपने यहाँ काम करेगा तो फिर उसको उड़न तस्करी बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि पता लगा कि कार्यकर्ता है जंगल दूषण का और प्रचार करने के लिए पहुंचा है कहीं देर में, कोई आवश्यकता नहीं दिया। अपने बूथ को देखिए, अपने बूथ को संभालिए, अपने अपने बूथ को, अपने अपने सेक्टर को, अपने अपने मंडल को, अपने अपने विधानसभा को केंद्रित कर दीजिए और जीतना है, प्रचंड बहुमत से जीतना है। इतना कार्य ये हो पाएगा? अगर हो पाएगा थोड़ा जोर से बोलेंगे, ये जो कार्य मैंने दिए हैं आपको और ब्लॉक अध्यक्षगण या मंडल अध्यक्षगण इसको नोट भी कर लेंगे जो मैंने नोट कराया है। एक कल हर बूथ पर संपर्क जरूर हो, हैंड बिल लेकर के,
साथ हो जाए। और फिर 14-15-16 में पर्ची वितरित हो जाए और हर बूथ पर बैग पहुंच जाए। 17-18 में एक एक बूथ की निगरानी हो जाए कि कहां पर क्या है। चुनाव के दिन मैं गोरखपुर में हूं, किसी को कहीं से शिकायत नहीं आनी चाहिए कि बूथ पे एजेंट नहीं, बूथ पे कार्यकर्ता नहीं है, फलाना ठिकाना है, सब शिकायत नहीं होनी चाहिए। और ये चीज आप लोग तय कर लेंगे, ये मुझे आप सबसे कहना था। आप सब सहमत हैं? सब लोग सहमत हैं कि प्राइस 2014 की पुनरावृत्ति करेगा, जैसे 2014 में मेरे लिए आप लोगों ने काम किया था, उसी प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जिताएंगे। और भाई मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।